अब इंसान जो है जमा कैसे करे, ये तो पहले का हुआ और कुछ बातें निकाह के लिए ख़ास और कुछ आम थी। अब निकाह की रात भी हो सकती है इसमें इन्वॉल्व और अदर ज़िंदगी का और हिस्सा जहाँ मियाँ बीवी हम बिस्तरी करना चाहते, अब जमा कैसे करे। जमा से मुराद जब मैं अल्फाज कह रहा हूँ तो शर्मगाह का जमा होना और मिलना इससे मुराद है मेरा, याद रखिए ठीक है, कि इंसान उसे अब जमा कैसे करे। इसके ताल्लुक से बहुत सारी गलतफहमियाँ होती, इंशाल्लाह आज उसके इजाले करने की कोशिश करूँगा। अब इंसान अपनी बीवी से कैसे जमा कर सकता है, आइए अल्लाह रब्बुल इज्जत का जवाब अपनी किताब उसकी किताब में जिसने दिया उससे हम शुरू करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता और कहता है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 223 और फरमाता है निसाउन हरसुल लकुम फातु हरसाकुम अन्ना शीतुम, कि अल्लाह फरमाता और कहता है तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियाँ हैं और तुम जिस तरह से चाहो अपनी खेतियों में आओ। तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं, जैसा एक किसान अपने खेत में बीज डालता है ताकि उससे फसलें निकले, तो तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी औलादों की पैदा होने की वजह है ना, उसके बगैर कैसा होंगे। तो तुम जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि तुम जो है फिर जहाँ से चाहो वहाँ से अपने बीवियों में दाखिल हो। ठीक, अब इसके ताल्लुक से क्या वाक़ आता है इसके शायन नज़ुल में रख देता हूँ, तो वो पहली बात बिल्कुल इंशाल्लाह जो आयत है वो वाज़ह हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। आइए, जो है सही बुखारी की रिवायत है, जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं यहूदी जो है ये बात कहा करते थे कि आदमी अगर अपने बीवी से शर्मगाह में अगले हिस्से में जहाँ से औलाद पैदा होती है ठीक है वहाँ अगर हम बिस्तरी पीछे से खड़े रहकर करें, पीछे होकर करें बीवी के, समझ रहे आप बात को, कि अपने बीवी से सही जगह मतलब शर्मगाह का अगला हिस्सा उसमें हम बिस्तरी करता जहाँ से औलाद पैदा होती है, लेकिन पीछे से खड़े रहकर करता है तो इससे औलाद भेंगी पैदा होती है, मतलब आँखें उसकी स्क्विंट जिसको कहते हैं, मतलब आँख ढलती हुई या दोनों आँख ढलती हुई होती है ना, भांगा जिसको आम जबान में कहते हैं ठीक है, भेंगा जिसको बोलते हैं, तो वैसा पैदा होता है। जब ये बात सहाबा तक पहुँची तो सहाबा ने रसूलुल्लाह सवाल किया अल्लाह के रसूल यहूदी कहते हैं कि ऐसा अगर करने से बच्चा भेंगा पैदा होता है, स्क्विंट होती है उसकी आँखें, ढलती हुई होती है, ख़राब होती है, दोनों बीच में आ जाती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह आयत नाजिल की। जब यह आयत नाजिल हुई तो आपने फरमाया और कहा आगे से या पीछे से मगर मुकाम पैदाइश में, आपने क्या कहा आगे से या पीछे से लेकिन मुकाम पैदाइश में, समझ रहे आप, मतलब जहाँ से औलाद पैदा होती है वहीं इंसान कर सकता है, इसके अलावा करना हराम है। इंशाल्लाह उसकी तफसील आगे रखूँगा क्या हराम है इस मामले में ठीक है। तो चाहे इंसान आगे से हो पीछे से हो लेकिन मुकाम पैदाइश में। आइए दूसरी रिवायत, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं या अबू दाऊद की रिवायत आपने फरमाया, थोड़ी तवील रिवायत है लेकिन बहुत सारी बातें इल्म की इसमें आ रही है इस रिवायत के अंदर, बिलखसूस इस मसले के ताल्लुक से। वो कहते हैं मदीना में अंसार जो है यहूदियों की इत्तबा करते थे, चूँकि अंसार तो मुशरिक थे, इनके पास कोई अकीदा नहीं था ये तो, लेकिन अहले किताब को ये बड़ा ऊँचा समझते चूँकि वो किताब के हामिल लोग थे, तो हर चीज़ में वो यहूदियों को फॉलो करते, हत्ता कि यहूदी अपने बीवियों को चित लिटाते, मतलब चेहरा ऊपर और औरत लेटी है और उसके बाद हम बिस्तरी करते, ताकि इससे क्या होता है सतर के लिए भी अच्छा है, इंसान जब मर्द लेट जाता है औरत पे तो पूरी ढक भी जाती है, तो तहारत के लिए भी अच्छा होता है और सतर पोशी के लिए भी, खामों का ज़्यादा सतर खुलता नहीं है, अच्छा होता है। तो यहूदी सिर्फ इस पोजीशन को इस तरीके को हलाल मानते थे, चूँकि अंसार रसूलुल्लाह सल्लम के आने से पहले इस्लाम से पहले इनको देखते थे, इनको फॉलो करते थे, इस मामले में भी यहूदियों को फॉलो करते थे, ओके नहीं यहूदी बोल रहे थे अहले किताब है, इनके पास एक दीन धर्म था जो अल्लाह की तरफ से आया तो लिहाजा इनको फॉलो करना चाहिए, तो इस मामले में उनकी भी इत्तबा करते थे। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते लेकिन हम जो है जो मुहाजिर थे, हम मक्के वाले लोग, मक्के के जो लोग थे वो मुख्तलिफ किस्म से अपने बीवियों से ताल्लुकात कायम करते, आगे से पीछे से लिटाकर हाथों पर उनको खड़े करके मुख्तलिफ चीज़ों से, और जिन्स की जो है हम बिस्तरी की लज्जतें उठाया करते थे। लेकिन जब मुहाजिर मदीना पहुँचे और अंसारियों से निकाह शुरू किया, और जब एक मुहाजिर ने एक अंसारी औरत से निकाह किया और निकाह करने के बाद जैसा उनका तरीक़ा था कि वो मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ तरीक़ों से सही जगह हम बिस्तरी करते, मतलब शर्मगाह में मतलब अगले हिस्से में करते, जब उसने डिमांड किया उस शख्स ने, तो उस अंसारिया ने कहा हम तो सिर्फ एक तरीक़ा अपनाते, उस औरत ने वो भी सहाबिया थी, वो है चित लेटना और तुम ऊपर से रहो। इसने कहा ऐसा क्यों, हम तो मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं इसमें, जिसको आम जबान में बहरहाल आसन कहते हैं, लोग बहरहाल समझते हैं आसन कहते हैं इसको, शायद संस्कृत का लफ्ज़ है ये हिंदी के लफ्ज़ है, बहरहाल तो हम तो मुख्तलिफ करते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं मैं तो ये करने नहीं दूंगी, झगड़ा बढ़ गया, उसने कहा मैं तो ऐसे ही करूँगा, उसने कहा हमारे पास ये तरीक़ा नहीं, और बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँच गई और फिर ये आयत नाजिल हो गई तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेती है तुम जहाँ से चाहो, मतलब जो मुहाजिर कर रहे थे सही कर रहे थे, मुख्तलिफ पोजिशन हो सकते हैं लेकिन अगले हिस्से में सिर्फ पैदाइश के हिस्से में इंसान कर सकता है। तो ये रिवायत में बहरहाल बहुत सारी बातें आ गई और बहुत सारी भी तो बातों का जवाब हमें मिल गया है। आगे आइए,
अब इस मामले में जो है इंसान जमा जो करे, हम बिस्तरी करे तो लेट कर कर सकता है, लेटने में जितनी पोजीशंस हो सकती है वो इस्तेमाल कर सकता है। शर्त एक ही है, वहाँ इंसान अपनी शर्मगाह को दाखिल करे, औरत की शर्मगाह में जहाँ से औलाद पैदा होती है, ठीक है, वही एक जगह है। दूसरा बैठ कर कर सकता है, जितनी पोजीशंस हो सकती है इसके लिए, शरीयत ने इससे कोई मुमानियत का इजहार नहीं किया। लेकिन सबसे बेहतरीन पोजीशन औलाद की पैदाइश में और उसमें साजगार होने में वही है जो औरत को लिटा कर करे, इसलिए कि उसमें सीधा मर्द की शर्मगाह ऊपर से होती है और औलाद की पैदाइश के चांसेस ज़्यादा होते हैं उस मामले में। बहरहाल ठीक, उसके बाद बैठ कर जितने तरीके हो सकते हैं, जितनी पोजीशंस हो सकती है, जिसमें मैं जो बता रहा हूँ बात आप समझ रहे हैं कि शर्मगाह मर्द की औरत से मिले और सामने के हिस्से में, आपके लिए जायज़ है। इसी तरह खड़े रहकर जो कुछ हो सकता है, इसमें कोई मुमानियत नहीं है। कराहत हो सकती है, नापसंदगी हो सकती है, लेकिन मुमानियत किसी में भी नहीं, हरुमत किसी में भी नहीं। बैठकर, लेटकर, खड़े रहकर कुछ भी हो सकता है। अभी बात का इजाला मैं कर दूँ, बहुत से लोगों ने अजीब अजीब बातें लिख दी, अल्लाह उन पर रहम करे, जिसकी वजह से उम्मत खामोखा ऐसी मुश्किलात और तकलीफ़ों में डाला जो शरीयत ने नहीं दी, कि खड़े रहकर करे तो औलाद लंगड़ी पैदा होती है, बैठकर करे तो औलाद फलां पैदा होती है, पीछे से करे। आज भी मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई लड़का भहंगा आ जाता है जिसकी आंखें स्क्विंट हो, उसकी आंखें बराबर ना हो, तो औरतें एक दूसरे को धक्का दे के हंसती मजलिस ना, इनके माँ बाप ने क्या करे थे देखो बच्चा। आज भी मैं कह रहा हूँ, कैसी अजीब बात है यार, शरीयत क्लेरिफिकेशन दे रही है, कुरानी आयतें नाजिल हो रही है, और उसके बाद भी क्या हमारी अखलें, अब अखलों का क्या भाई, इल्म की कमी ही ये सब चीज़ों की वजह है। लाइल्मी जो नुकसान पहुँचाती है ना, वो कोई चीज़, कोई हथियार, कोई दुश्मन आपको जो नुकसान नहीं पहुँचाएंगे ना, आपकी और हमारी लाइल्मी इस्लाम के ताल्लुक से नुकसान पहुँचाती है। बहरहाल तो कोई भी पोजीशन इख्तियार कर सकती, कोई मुमानियत किसी भी पोजीशन की साबित नहीं है, ठीक। इसी तरह सेकेंड चीज़, हम बिस्तरी के अंदर बीवी को